इस वक्त धरती के कोरोना इफेक्ट के चलते नासा का सूरज वाले कोरोना इफेक्ट को समझ पाना मुश्किल होता जा रहा है। पहले 2024 में चांद पर भेजे जाने वाले चंद्र मानव मिशन आर्टेमिस मिशन पर ग्रहण लगा, तो इसके बाद मंगल और सूरज के अभियानों पर काली छाया मंडराती देखी गई। नासा ने कोरोना के चलते अपने एक एक करके ज्यादातर स्पेस सेंटर और रॉकेट फैसिलिटी सेंटर को पार्शियली बंद करके करीब 17,000 कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी कर दिए। वहीं चंद्र मिशन से जुड़ी दो रॉकेट के फैसिलिटी सेंटर मिचैड असेंबली फैसिलिटी और स्टैनिस स्पेस सेंटर को बंद कर दिया। नासा ने अपने सभी 11 नासा केंद्रों को इमरजेंसी स्टेज 3 में रखा है, जिसमें अंतरिक्ष लॉन्च सिस्टम बेहद जरूरी प्रोजेक्ट से जुड़े कर्मचारियों के अलावा सभी कर्मचारियों के एजेंसी में न आकर घर से काम करने के लिए बोला हुआ है, जिसके चलते सबसे बड़ा प्रभाव नासा के मंगल पर रोवर भेजने वाले प्रोग्राम और चांद पर मानव भेजने वाले प्रोग्राम पर पड़ा है। लेकिन नासा के वैज्ञानिक घर से काम कर रहे हैं। घर से काम करते हुए नासा ने एक बड़ा ऐलान किया है। एक तरह के क्यूब सेट लॉन्च करेगा नासा कि वो सौर तूफानों के अध्ययन के लिए 6 क्यूब सेट प्रक्षेपित करेगा। ये 6 सैटेलाइट पृथ्वी की भू स्थिर कक्षा यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाकर काम करेंगे। नासा सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट यानी कि सनराइज मिशन की लॉन्चिंग करेगा। नासा के हेलियोफिजिक्स प्रोग्राम के लिए ये मिशन मिशन ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पर चुना गया है। इस मिशन के तहत क्यूबसेट जुलाई 2023 में प्रक्षेपित किए जाएंगे। इसकी लागत 62.6 मिलियन यूएस डॉलर होगी। क्या काम करेंगे सनराइज मिशन के सैटेलाइट? सनराइज अभियान के तहत एक ही तरह के 6 सैटेलाइट पृथ्वी की भू स्थिर कक्षा के ठीक ऊपर भेजे जाएंगे। 10 किलोमीटर के दायरे में फैले ये सैटेलाइट एक रेडियो टेलीस्कोप की तरह काम करेंगे और सौर तूफान संबंधी अध्ययन कर सकेंगे, जो पृथ्वी पर संभव नहीं है। सूर्य से जो किरणें आती हैं वो तो पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां से जो रेडियो तरंगे आती हैं वो पृथ्वी के आयनोस्फीयर की वजह से यहां तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में इन रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर स्थित टेलीस्कोप नहीं पकड़ पाते हैं। इस अभियान से वैज्ञानिक सौर तूफान के कारणों को समझने की कोशिश कर सकेंगे। ये 6 सैटेलाइट सूर्य पर होने वाली गतिविधियों पर नजदीकी और ज्यादा बेहतर नजर रख सकेंगे। क्या महत्व रखते हैं ये सौर तूफान? सौर तूफान सूर्य की सतह पर उठने वाले आग के तूफान हैं। इनसे निकलने वाले विकिरण पृथ्वी के पर्यावरण और मौसम को नुकसान पहुंचाने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। इसके अलावा वे सौर मंडल में भी अप्रत्याशित परिवर्तन कर सकते हैं। इनसे अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यात्रियों को भी नुकसान होने की संभावना होती है। इस मिशन के लीड साइंटिस्ट जस्टिन कास्पर का कहना है कि हम सूर्य की सतह पर उठने वाली लपटों को शुरू से देख सकते हैं और साथ ही कोरोनल मास इजेक्शन को भी उठते हुए देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या इससे कोई पार्टिकल रेडिएशन होता है या नहीं, और ये भी नहीं जानते कि क्या ये विकिरण धरती तक पहुंच पाते हैं या नहीं, क्योंकि सूर्य से होने वाले मास इजेक्शन के चलते पार्टिकल एक्सेलरेशन होता है, जिसको लेकर तरह तरह की अवधारणाएं हैं। ऐसे में अगर हम ये समझ सकें कि कोरोनल मास इजेक्शन के किस हिस्से से चमक ज्यादा है और इससे सही और प्रमाणिक जानकारी हासिल की जा सकेगी, इस शोध से पता चल सकेगा कि तेज ऊर्जा वाले पार्टिकल्स कैसे पैदा होते हैं और इससे हमारी पृथ्वी की मौसमी गतिविधियों को कैसे नुकसान पहुंचता है। यह हमारे मौसम विभाग के लिए चेतावनी की तरह भी काम कर सकता है और सौर तूफान के कारण धरती को होने वाले अन्य नुकसानों की भी जानकारी दे सकता है। नासा ने लॉन्च किया है सोलर ऑर्बिटर। नासा सूरज के रिसर्च के लिए कई मिशन लॉन्च कर चुका है। हाल ही में उसने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर सोलर ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य पहली बार सूर्य के ध्रुवों की तस्वीर लेना है। इस 1.5 अरब डॉलर की लागत वाले ये स्पेस क्राफ्ट 7 साल में कुल 4,18,00,000 किलोमीटर दूरी तय करेगा। नासा के मुताबिक ये स्पेस क्राफ्ट अपने तमाम उपकरणों और एंटीना को तैनात करने के बाद धरती पर लगातार डेटा भेज रहा है। सोलर ऑर्बिटर पर बेहद शानदार कैमरे लगे हैं,
जो सूर्य के ध्रुवों की पहली बार तस्वीर मुहैया करवाएंगे। नासा ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना साबित होगी और इससे वैज्ञानिक सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकेंगे। इससे पहले नासा ने 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य की कक्षा में भेजा था, जिसका मकसद सूर्य के बाहरी कोरोना का अध्ययन करना है। वही ESA और नासा ने इससे पहले 1990 में यूलिसेस मिशन लॉन्च किया था, जिसने वैज्ञानिकों को सूर्य के चारों तरफ के अहम क्षेत्र को पहली बार मापने में मदद की थी। हालांकि यूलिसेस के साथ कैमरा नहीं गया था। वहीं भारत के इसरो ने 2020 के अंत में सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहले मिशन आदित्य को भेजने की योजना बनाई है।